प्राइम कैसेट के माध्यम से कथा कराऊं ज्ञातो भारत भूमि में हुआ एक राजा सरिया तू। इधर दोस्तों एक राजा सरियात हुए हैं, बड़ा ही आदर्शवादी राजा हैं, और क्या बताऊं इनका हाल लोगों, जरा सुन के देखो आगे। नीतिवान सरिया तो धर्म के काज चले अनुगामी भैया, और राजन में सिर मोर ले के भूप बड़ो सुज्ञानी। बड़ा ही आदर्श राजा है लोगो, बहुत ही सुंदर विचार हैं इसके, लेकिन आगे क्या हुआ है। की बिन सर्व हतो सरनामी, हतो सरनामी पर जा में नहीं कोई कर रो रे के राजा की बदनामी। आदर्शवादी है, धर्मज्ञ राजा है। इधर इसके यहाँ एक बिटिया ने जन्म लिया लोगो, कैसे? अरे एक बिटिया भोली भाली, और बड़े लाग के प्यार से पाली। आज क्या दशा है दोस्तों, अरे पवन से प्यारी लाली, और सखियन में है चंद की उजारी। शरियात प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं लोगों, अपनी सखियों में भी सबसे ढंगी निराला है इसका। इधर ये बिटिया कुछ दिन के बाद बड़ी हुई है, हाल क्या हुआ। बारह बरस की बिटिया हुई आई, मर्दों ध्यान के बिसर नहीं जाए। अरे रुम झुम रुम झुम डोले अंगना में, लगी की अनुपम तो गौ बहराई। याद आता है इसकी, गोरो बदन तो मस्ती पिटिया, और जगी हसी रे मोहनी चाली। अरे चंदा जैसो मोह दम के, गोरे हाथे रे भमीरी गाली। अरे यार धीरे धीरे, यार मेरे धीरे धीरे होनी तो सर पे रही आई। यार मेरे धीरे धीरे, भैया मेरे धीरे
धीरे होनी तो सर पे नहीं है यार। इधर में बहुत ही सुंदर लड़की है लोगो, और इधर राजा सरियात एक दिन अपनी फौजें लेके जंगल में चले घूमने के लिए जा रहे हैं। आहारे थके परेशान हुए सोने लगे, ये चमन जैसी की बगिया है, चलो इसी में आराम कर लेते हैं थोड़ा। पहुंचे हैं जंगल का हाल क्या है लोगो, जंगल की हरियाली लख कर, जंगल की हरियाली लख कर सब मगन भई वो आली है भैया, मगन भई वो आली है। इसे सुंदर जंगल है चमन सी का दोस्तों, जंगल की हरियाली लख कर सब मगन भई वो आली है। पपिया की प्यू प्यू कु 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 कोयल की जारी है, कु कु कोयल की क्या हाल है इधर मेरे भगवत प्रेमियों, मौसम कैसा है यहाँ का? मौसम बहार था अजब बहुत, राजा बढ़ चले अंगारी है। अरे चमन सी की बगिया है और जेठ की दादा सुपारी है भैया, जेठ की दादा। डगर पनघट की बहुत कठिनिय है, डगर पनघट की बहुत कठिनिय, डगर पनघट की बहुत कठिनिय। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरी पनघट की, बहुत कठिन है डगरी पनघट की, बहुत कठिन है। इधर जंगल की हरियाली देखी है, सब मगन हो गए, पपिया प्यू प्यू कर रहे हैं, कोयल कुकू कर रही है, मौसमी इतना सुहाना हो गया लोगो। इधर तो चमन सी की बगिया है और इधर जेठ की दोपहरी है, हुआ क्या? आज जिस समय महाराज सरियात 10,000 जवानों को लेकर बगिया में पहुंचे हैं, हरियाली को लग के आराम की सोचने लगे, और इधर चमन सी का हाल क्या था, ये तो बेचारे तपस्या में ही विशेष लीन थे। क्या समय हो गया, 10,000 बरस हो गई रे तप कर रहो है तपधारी, और धूली इकट्ठी हुई आई रे अब टीला बनो अंगारी। इतनी धूल इकट्ठी हो गई कि एक टीला सा बन गया, आज चमन सी दिखाई नहीं देते लोगों।
महाराज भजन में संत भाव लवलीन हो, और चीला तो ऊपर बन गयो है इतनी चाहिए धूली। भैया दस हजार बरसे हुई गई नहीं तारी चूड़ी है, अब तो दस हजार बरसे हुई गई नहीं तारी चूड़ी है। भैया दस हजार बरसे हुई गई नहीं तारी चूड़ी है। संत की तारी न टूटी है, अब तो दस हजार बरसे हो गई नहीं तारी टूटी है। इधर मेरे दोस्तों, आज दस हजार बरसे हो गई चमन ऋषि की तारी नहीं खुली। तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया है। इधर में राजा सरयात अपनी फौजों को आदेश दे दिया है विश्राम करने को, खुद विश्राम करने लगे, लेट गए हैं। सुकन्या की दो सखियां और साथ में थीं। इधर में तीनों को पास में लेटा लिया, सब तो सो गए लेकिन इन लड़कियों को नींद नहीं आई, घूमने चलने लगी, बगिया में घूमने गई। इन्हें नहीं मालूम था ये चमन ऋषि की बगिया, इसमें हाल क्या है। देखा तो महात्मा की सिर्फ धूल में से आंखें चमक रही थी। सुकन्या कहने लगी, ओरी वाली ये क्या है? जवाब दिया, मुझे तो पता नहीं। वो लड़की भी नहीं समझ पाई लोगों कि ये महात्मा जी हैं। आज उसने एक लकड़ी उठाई और आंख में चलाई। कैसे? एक लकड़ी लई उठाए एक वो लड़की भोली भाली, बहुत ही भोली है वो। और चमन ऋषि की अखियन में वो लकड़ी फौरन डाली, लकड़ी उठा के चमन ऋषि की आंखों में डाल दी। इधर मेरे दोस्तों हुआ क्या, महाराज खून को एकदम जुरियो जोर, लकड़ी दई चलाए के बिटिया नखियां दीनी थोड़ी। भैया करी खून की धार लली के उछक्का छुटिए, भैया करी खून की धार लली के उछक्का छुटिए। चक्का छुटिए हैं लली के ऊ चक्का छुटिए हैं, अब तो करी खून की धार के भैया। इधर जैसे खून की धार निकली, सोचने लगी ये क्या हुआ, घबरा गई है सुकन्या। भाग के जहां पहुंची, जहां राजा सरयात सो रहे थे, और जाके उसी बिस्तर पे लेट गई, लेकिन किसी से कहा नहीं इतने लोगों। अब चमन ऋषि की आंखें फूटी, तो एक संत की आंखें फूटना तो विलक्षणी खेल है लोगों। इधर में राजा सरयात की फौज बिलकने लगी, पेट फूलने लगे, मलमूत्र बंद हो गया, दशाई विलक्षण हो गई। लेकिन तुम जानते हो संत की निंदा को फल ऐसो जर नगर नर नाथ है जैसो, संत की निंदा और इतने आराम से नहीं हो सकती।
उसी समय राजा सरयात फौजों को इकट्ठा करके कहने लगे, ए सिपाहियों ये बताओ ये हुआ क्या है। लेकिन किसी की समझ में ही नहीं आ रहा हुआ क्या, हालत बिगड़ गई फौजों की। अरे जाबुरी भाई बीमारी, फौज के बिचारी हालत खराब हो गई दोस्तों बगिया में। पेच पड़न के लगी ज्वालन को, बड़ गए पेटने बड़े उतर नाम। अरे अब सरयात के चक्का छूटे, लीली लाल है पेट न जाए। इधर भी राजा सरयात दुखी होने लगे, सोचने लगे मेरी फौज कैसे परेशान हो गई। मंत्री से सतुवादी तो बोलो नहीं, अब मेरी के समझ में आई। अरे जमंजी सी ढंग रोगी जो आवे, जो बगिया में है निरोग हो जाए। कोई रोगी आ जाता वो भी निरोग होके जाता है, लेकिन ये हालत क्या हो गई। ढंग रोगी जो आवे, तो बगिया में के निरोग हो जाए। अरे मेरी फौज आज यहाँ पे, बीमारी ने है लई है दवाई। इचलाई ले इठ लाई ले मछला जय हो चली। जय हो चली इठ लाई ले मछला जय हो चली।